स्वीकृत कुल 22 सीवर योजनाओं के कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। विवरण संलग्न है, प्रश्न नहीं उठता। आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज ड्रेनेज की प्रॉब्लम हर बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, सब में देखी जा रही है, और पानी का निकासी का कोई बड़े शहर से जैसे पानी निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी गांव में या किसी जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। और गंदा पानी क्योंकि जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी वजह से कई सारी बीमारियां कस्बे में और जो आसपास जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर कई सारी बीमारियां, कैंसर और हाइजीन के हिसाब से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ योजनाओं में सिर्फ पैसा स्वीकृत हुआ है और किसी में नहीं हुआ, लेकिन सारे काम जो है वो कागजों पे है। हम लोग जमीनी स्तर पे अपने सहारनपुर मंडल में, चाहे शामली जिला है, मुजफ्फरनगर है या सहारनपुर खुद में है, ऐसा कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे ये गंदा पानी जो है या तो ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए या फिर इसका कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जो बीमारियां फैल रही हैं या बाहर किसी ऐसी जगह पे, वो तो मंत्री बताएंगे कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है। मेरा तो सवाल यही है कि बीमारियां बहुत बढ़ रही है गंदे पानी से, और कागजों में योजनाएं चल रही हैं और धरातल पे नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिसमें पैसा स्वीकृत हो गया है उसमें जल्द से जल्द काम लगा दीजिए और जिलेवार इन्वेस्टिगेट करके आप जो है जांच करा लीजिए कहां कहां पानी इकट्ठा हुआ हुआ है और उसकी एक योजना बना दीजिए ताकि लोगों को इससे भुगतना ना पड़े। आपका सुझाव अच्छा है, इसमें कोई